नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, अब जैसे कि हम सब पौधों की कटिंग लगा रहे हैं तो ये सही समय है, हम अपने सकलेंट्स की भी कटिंग लगा सकते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ अपने वही सकलेंट्स शेयर करूंगी जो मैंने सारे कटिंग से लगाए हुए हैं और मेरे पास वो काफ़ी टाइम से हैं। किसी को 3-4 साल हो गए, किसी को 6-7 साल हो गए, तो सालों से बने हुए हैं वो मेरे सकलेंट्स और मैंने कटिंग से भी काफ़ी तैयार कर लिए हैं। और ये जो आप देख रहे होंगे, ये मैंने कटिंग लगाई थी तो हो गई है ये अच्छे से। और ये जितने भी दिख रहे होंगे आपको, एक मदर प्लांट है, बाकी ये मैंने कटिंग से ही तैयार करे हैं। और इनकी कटिंग मैंने सबको दे भी दी है, काफ़ी सारी कटिंग मैंने सबको दी है। और ये मेरा क्रेशुला है, देखो ये धूप में, ज़्यादा धूप में रहने की वजह से सर्दी थी ना, तो मैंने इसे धूप में रख दिया था। अगर ये छाया में होता ना तो इसका ये कलर चेंज नहीं होता, लेकिन धूप में रहने की वजह से इसका ये कलर चेंज हो गया। तो ये देखो, इसके ये नीचे से इसके दो बेबी प्लांट निकल रहे हैं और अभी इसी से मैंने एक जो बनाया है ये बेबी प्लांट, ये भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये काफ़ी अच्छा हो गया, इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है। तो आप इसको भी कटिंग से लगा सकते हो और लीव्स से भी लगा सकते हो, और इसको डिवाइड करके भी लगाते हैं। इसमें बेबी पप्स आते रहते हैं ना, तो उसे हम डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। और ये मेरी सीडम है, सीडम तो बहुत आसानी से लग जाती है। और ये एक सकलेंट मेरा ये है, इसका मुझे नाम नहीं मालूम इसका क्या नाम है, तो ये भी कटिंग से बहुत आराम से लग जाता है। आप इसकी कोई भी कटिंग लोगे इस तरह से और इसे बस इसे मिट्टी में इस तरह से लगा दोगे तो ये आराम से हो जाएगा। मैं आगे आपको अपनी और भी जो मैंने सकलेंट्स लगाए हैं उनका रिज़ल्ट भी बताऊंगी और कैसे मिट्टी तैयार करें, कैसे क्या क्या करें, मैं सब बताऊंगी। और ये मेरा एक इचिविरिया का प्लांट है, ये देखो ये लीव्स से बहुत आसानी से हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इसकी पत्तियों को कहीं पे भी किसी भी पॉट में ऐसे रख देना है तो आराम से हो जाएगा। ये मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि मेरा जो प्लांट है ऐसे पत्तियों से काफ़ी हो रखा है। ये एक मैंने हैंगिंग में लगा रखा है, ये आप इसको यहाँ से ये जैसे इसके पप्स निकल रहे हैं ना, इससे भी लगा सकते हो और लीव से भी लगा सकते हो। कोई टहनी तोड़कर इसके आराम से उससे भी लगा सकते हो। मेरे हो रखे हैं लीव से भी काफ़ी अच्छे, ये देखो ये कितने अच्छे। मैंने कुछ नहीं किया था, इसकी लीव्स ऐसे ही डाल दी थी इसमें इस पॉट में, तो ये देखो कितने अच्छे से हो गए। और देखा भी नहीं मैंने, तो अभी कल परसों ही देखा कि कितने अच्छे हो रखे हैं। और ये मेरी जैली बीन्स है, ये जैली बीन्स तो मैं तो मेरे जितने भी सकलेंट हैं मेरे पास, मैंने कटिंग से काफ़ी सारे बनाए हैं और इनमें से मैंने कोई भी ख़रीदा नहीं है। और ये देखो ये बोरोटेल्स है, अब इसमें भी नई नई ये देखो इनकी ग्रोथ हो रही है अच्छे से, काफ़ी सारी। ये तो मेरी हैंगिंग बास्केट सारी अच्छे से भर गई हैं और आप देख रहे होंगे कि उसके ऊपर मैंने कपड़ा रखा हुआ है, तो एक चिड़िया आकर मेरे सकलेंट्स को तोड़ रही है, इस बोरोटेल्स को, तो इसलिए मुझे रखना पड़ा। ये इसी का ही ये मैंने यहाँ पे कटिंग लगाई थी, ये देखो जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था ना उसकी कटिंग लगाई थी मैंने, तो ये देखो कितने अच्छे से हो गई है कटिंग, काफ़ी अच्छे से हो गई है। मनी प्लांट का पॉट है मेरा, मैंने उसमें ऐसे ही लगा दी थी। और ये जो आपको मेरा सकलेंट दिख रहा होगा इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो ये इसलिए हुआ कि बरसात के टाइम पे उस समय इसमें काफ़ी, मतलब मैंने इसको ध्यान तो दिया नहीं, ये हैंगिंग में था तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी गिरा तो ये ख़राब सा हो गया थोड़ा, लेकिन अब इसकी ग्रोथ हो रही है, अच्छा हो रहा है ये। आजकल तो मैंने इसे धूप में रख दिया, ठंड थी काफ़ी, तो अब इसकी ग्रोथ हो रही है। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस एक छोटी सी कटिंग लेनी है और इस तरह से इसे लगा देना है। और जो पत्तियाँ उसकी मैंने हटाई है ना, उनको भी मैं फेंकूंगी नहीं, इसमें रख दूंगी तो वो भी आराम से हो जाएंगे। और देखो ये मैंने कुछ दिनों पहले ही कटिंग लगाई थी और ये अच्छे से हो गई है, खूब अच्छे से जड़ें आ गई हैं इसमें। तो मैं सर्दियों में लगा देती हूँ, लेकिन आप अब लगाएंगे तो अब भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। मैंने सर्दियों में ही लगा दिया था, जब शायद मैंने इसे 1-1.5 महीने पहले लगाई होगी ये कटिंग, तो अच्छे से रूट्स आ गई हैं इसमें। यहाँ देखो आपको दिख ही रहा होगा कि अच्छे से रूट्स आई हुई हैं इसमें। और अब मैं ये दिखाती हूँ, एक ये सकलेंट्स है मेरा, सिर्फ एक यही सकलेंट्स है मेरा जिसे मैंने ख़रीदा है,
बाकी मेरे सारे सब मैंने कटिंग से लगाए हैं, लेकिन जो इसका मदर प्लांट था वो तो ख़राब हो गया था। ये भी मैंने कटिंग से ही लगाए हैं। उस समय जब वो मदर प्लांट ख़राब हो रहा था ना, शायद ज़्यादा पानी की वजह से ये ख़राब हुआ होगा, तो उसी समय मैंने इसकी ये कटिंग लगा दी थी। तो ये दोनों पॉट भी मेरे कटिंग से ही तैयार हुए हैं और ये साइड साइड में मैंने कटिंग लगा रखी है। ये मैंने अभी लगाई है तो इससे मैं निकाल के नहीं दिखाऊंगी इन्हें। लग तो रहा है कि अच्छे से लग गई हैं, रूट्स भी आ गई है, लेकिन ये वाला सकलेंट्स मेरा थोड़ा बहुत मुश्किल से होता है, तो इसलिए मैं इसे निकाल कर दिखाऊंगी नहीं। बस एक यही सकलेंट्स मैंने ख़रीदा है, बाकी कोई नहीं ख़रीदा है। और यही मेरी बोरोटैल्स, इन्हें मैंने, इनको शायद मैंने लगाया होगा, मुझे याद नहीं है, 4-5 महीने हो गए होंगे शायद, लेकिन मैंने लगाने के बाद इनमें कोई खाद नहीं डाली ना, तो अभी इनकी इतनी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही, लेकिन फिर भी अच्छा रिज़ल्ट मिल गया है मुझे। और ये लगाया मैंने 2-2.5 महीने पहले लगाए थे शायद, ऐसे ही लगाए होंगे, मुझे ढंग से याद नहीं है। तो इनमें भी अच्छी ग्रोथ होने लग गई है, काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। तो अब जैसे थोड़ा गर्मी की शुरुआत हो गई है, तो अब इनको मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी, और मैं इनको सिर्फ जो मेरे जितने भी सकलेंट्स हैं ना, सिर्फ गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, और सब में तो मैं वो भी फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ जैसे अनियन पिल, बनाना पिल, लेकिन जो इतने भी मेरे सकलेंट्स हैं मैं उन सब में सिर्फ और सिर्फ गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। और सर्दियों में मैंने इसलिए नहीं दिया, कहीं ज़्यादा पानी की वजह से ये ख़राब ना हो जाए। ठंड में पहले ही इतना मॉइस्चर होता है और इनकी लीव्स में तो इतना ज़्यादा पानी होता है, तो मैंने सोचा कहीं ख़राब ना हो जाए। ये देखो लीव्स से भी कितने सारे हो रहे हैं ये इसी पॉट में। मैंने इनकी ये जो पत्तियाँ होती है ये ऐसे ही डाल दी थी, और यहाँ देखो ये मेरे, मतलब ये सकलेंट्स होते हैं जो अपनी पत्तियों से बहुत आराम से हो जाते हैं। ये मेरे जाली बीन्स के कितने सारे हो रखे हैं, आपको दिख ही रहा होगा, बहुत आगे भी मैं दिखाऊंगी। तो आपको कटिंग लगाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, कोई भी एक टहनी लेनी है और इस तरह से उसको तोड़ देना है। सॉइल मिक्स मेरी ये तैयार है, और ये मेरे वॉल हैंगिंग पॉट हैं। तो आप जो सकलेंट्स होते हैं उनकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं, तो छोटे छोटे पॉट में भी ये बहुत आराम से हो जाते हैं। मैंने तो अपने सकलेंट्स ज़्यादातर सैलो पॉट में ही लगाए हैं, और या फिर मेरे ये जो आपको दिख रहे होंगे ये हैंगिंग पॉट में लगाए हैं। तो आपको इस तरह से टहनी तोड़ कर लगा देना है। और मैं बताती हूँ, सॉइल मिक्स में जो मैंने सिर्फ और सिर्फ मिट्टी में गोबर की खाद मिलाई है, मैं हमेशा जो भी सकलेंट लगाती हूँ मिट्टी में गोबर की खाद ही मिलाती हूँ। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके यहाँ की मिट्टी अच्छी नहीं है तो आपको उसमें रेत भी ज़रूर मिलाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ की मिट्टी अच्छी है, भुरभुरी है, तो इसने मुझे रेत मिलाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने पहले भी कई बार बताया है, मेरे सारे सकलेंट्स मैंने ऐसे ही लगाए हैं मिट्टी और गोबर की खाद में, किसी में भी मैंने रेत नहीं मिलाया है। और लेकिन मैं इसमें ख़ास बात जो होती है, जो ख़ास बात ध्यान रखती हूँ, वो पानी का, पानी में तभी देती हूँ इसमें जब इनकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाती है, उसके बाद ही मैं पानी डालती हूँ, वरना मैं पानी नहीं डालती हूँ। देखो ये मेरे हैंगिंग में भी लगे हुए ये सकुलेंट्स, तो बहुत ही हेल्दी, बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। तो आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, इन सकलेंट्स को, जितने भी सकलेंट्स मैंने बताए हैं हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, मैंने लगा रखे हैं। ये मेरी जैली बीन्स हैं ये देखो, और ये पत्तियों से बहुत ही आसानी से हो जाते हैं जितने भी सकलेंट्स हैं, मैं बताऊँगी। ये सारे यहाँ पर जब गिर जाते हैं ना कोई भी, तो मैं किसी भी पॉट में डाल देती हूँ। तो ये देखो ये कितने अच्छी हो रखे हैं, ये सब पत्तियों से हुए हैं, मैंने कोई इनको कटिंग से नहीं लगाया है, इन वालों को, ये सब पत्तियों से हो रखे हैं। और ये बोरोटैल्स की ये टूटे हैं, तो ये भी मैंने ऐसे ही डाल दिए। और ये देख, यहाँ आपको दिख रहा होगा आगे यहाँ पे, ये देखो ये सब मतलब अच्छे हो गए हैं, ये पत्तियों से ही काफ़ी अच्छे हो रखे हैं ये। और जैली बीन्स तो मेरी, मैं जहाँ डालती हूँ ना वहाँ हो जाती है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, पत्तियाँ इसकी इधर उधर गिरेंगी। ये मैंने कटिंग से नहीं लगाया है, ये सब पत्तियों से हो रखी हैं। अभी मेरे कोई पॉट खाली नहीं है, वरना मैं इनको शिफ्ट करती, अब ये सीजनल प्लांट वाले पॉट खाली होंगे तो तब शिफ्ट करूँगी मैं इन्हें। तो पत्तियों से और कटिंग से बहुत ही आसानी से हो जाते हैं ये सकलेंट्स, तो आप इस समय लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा टाइम है सकलेंट्स लगाने का।
और बात करें अब जैसे गर्मी आ रही है तो गर्मी में इस बात का ध्यान रखें बहुत तेज़ धूप में ना रखें इन्हें, सेमी शेड में रखें। मैं सारे सकलेंट्स अपने अब गर्मियों में इनको अपने पोर्च में ले आती हूँ सबको, और बरसात में ख़ास ध्यान रखना होता है इनका, बरसात में पानी की वजह से, ज़्यादा पानी की वजह से ख़राब हो जाते हैं ये, तो बरसात में तो और ज़्यादा ध्यान रखना होता है। बस मैंने पॉट का बता दिया है कि किसी भी पॉट में आराम से हो जाते हैं, इनकी जड़ें गहरी नहीं होती। पानी आपको ढंग से ध्यान से डालना है जब मिट्टी बिल्कुल सूख जाए, और सॉयल मिक्स मेरी तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है, लेकिन आप अपनी सॉयल मिक्स में रेत ज़रूर मिलाएं और पानी का ख़ास ध्यान रखें।